दामाद की सास पार्ट वन। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफी वक्त हो गया था। कावेरी जी की तीन बेटियां थी, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफी होशियार और नौकरी करने वाली थी, लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराए घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा के जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियाँ मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सलूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए क्या करना चाहती हैं आप। मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए तीन घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो। कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात, इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में एड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को तीन घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं, और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती हैं आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाए बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है, घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ, मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है। अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ, बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित, अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो यह है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूँ। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना, अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है, अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुँचो, मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित कहाँ हो तुम?
क्या हुआ मम्मी जी, सुबह की चाय तो पीने दीजिए, आप भी याद करती हैं, चिल्लाती रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है। अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ, घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक सुन लिया तुमने, सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा, आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे, हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था, बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही है। अरे लगाता हूँ पोछा, एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं, मम्मी शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाई वाला तरीका अपना कर मुसीबत मोल ले ली है, आपकी तीनों घर जमाई कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है, और काम क्या करना चाहता था, घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम की 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था, कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी, ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठ कर खाना खाना चाहते, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ ना कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी, ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी क्या आइडिया दिया है, मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक पापा बनने वाले हो तुम, अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा, हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2।